अयोध्या जिले से, जहां दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन मंत्री आदित्य शुक्ला अयोध्या। जी हां, खबर यूपी के अयोध्या जिले से है, जहां संगठन मंत्री आदित्य शुक्ला शासन द्वारा श्रमिकों हेतु अधिसूचित सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पंजीकृत सदस्य को दिलाया जाएगा। श्रम कार्ड तथा सदस्य कार्ड प्रत्येक सदस्य को दिलाया जाएगा। श्रमिक हितों में आने वाली सारी बधाई एवं असीम आयोजकों के शोषण को रोकने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। योजना का नाम मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार, अटल आवासीय विद्यालय सहायता, कौशल विकास तकनीकी उन्नति एवं योजना, कन्या विवाह सहायता, निर्माण कामगार आवास सहायता, शौचालय सहायता योजना और ऊर्जा सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, कामगार गंभीर बीमारी सहायता, महात्मा गांधी पेंशन सहायता, अंत्येष्टि सहायता, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता एवं क्षमता पेंशन। लिखी मुमताज नगर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। कौन सा संगठन है? हमारे संगठन का नाम है दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन, और ये श्रमिकों के लिए खास कर काम करता है। जो मजदूर भाई होते हैं, जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के काम में आते हैं, जो हमारे ऑटो चालक होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, जो जो भी काम करते हैं, जिनका जैसे हमारे संगठन का नाम है दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन। दैनिक का मतलब होता है जो रोज काम करके रोज खाता है, उन्हीं लोग का रजिस्ट्रेशन हमारे संगठन में किया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है कि श्रम विभाग द्वारा। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक आप कराए हैं? लगभग मान के चलिए 2500 से 3000 आदमी का हमने रजिस्ट्रेशन अब तक कर दिया है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? इसकी प्रेरणा अक्सर हमारा चौक आना जाना था, आप लोग भी चौक आते जाते होंगे, अयोध्या वासी हैं, तो हम मजदूर भाई हमारे खड़े रहते थे, नाका पे खड़े रहते थे। कई बार हमको अखबारों के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चलता था कि ये लोग काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनके बच्चे होटलों पे काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत दुख हुआ। इस वजह से हमारी मुलाकात हमारे अध्यक्ष हरिशंकर सोनी जी से हुई, उन्होंने बताया इसके संगठन के बारे में और इस पे हमने काम करना शुरू कर दिया। तो अब आप श्रमिकों के बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं की है? श्रमिकों को बच्चों के लिए लगभग हम पिछले एक महीने से उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, उन बच्चों को कॉपी किताब जो भी मुहैया करा पा रहे हैं करा रहे हैं, और हमारा भविष्य का यही उद्देश्य है कि लगभग हर 10 किलोमीटर पे हमारी एक फ्री कोचिंग क्लासेज हो, जिसमें श्रमिकों को बच्चों को निःशुल्क सुविधा। श्रमिकों के बच्चों की शादी के लिए क्या कर रहे हैं आप? श्रमिकों की शादी के बच्चों के लिए ऐसे श्रम विभाग द्वारा जो योजनाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 55 से 75 हज़ार रुपये जो मिलता है उनको दिलाते हैं। कहाँ कहाँ के लोगों को आपने जागरूक किया? जैसे नारायणपुर हो गया, बाबकपुरा हो गया, पटवारीपुरा हो गया, रुधौरा हो गया, और आपका मिल्कीपुर विधानसभा हो गया, कुमारगंज हो गया, और हरैया हो गया, ऐसे कई गांवों में अब तक हमने काम कर दिए हैं। लगभग कितने आपने मतलब कार्ड बना दिए हैं? तो बता दिए, हम पूछ रहे हैं। उन्होंने एक बार सवाल पूछ लिया था, पूछ लें दोबारा। श्रमिकों को बहुत सताया जाता है, कहीं उनकी वेतन नहीं दी जाती, लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको ऐसी भी कहीं भी सूचना मिलती है या फिर किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई सूचना मिलती है, तत्काल हमारे संगठन में संपर्क करें, उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी, उसको दंडित किया जाएगा जो भी उनके साथ ऐसा करेगा। हमारा संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आगे के लिए आप क्या कुछ सोचे हैं? आगे के लिए हमारा यही है कि श्रमिकों को हम सत्ताधारियों से और अपने कुछ बाहुबली नेताओं से और जैसे जो समाज के उपद्रवी होते हैं उनको बताना चाहते हैं, मजदूर मजबूर नहीं है, क्योंकि उनके साथ दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन है। क्या नाम है आपका, कौन सा पद है? मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, मैं दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन का मंत्री हूँ।